अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक मिस्टर एंड मिसेस अयाज अली ब्लॉग। तो गाइज, आप सबकी मॉर्निंग अच्छी हो इंशाल्लाह, आपका सारा दिन अच्छा गुजरे, हमारा भी सारा दिन अच्छा गुजरे इंशाल्लाह। तो आप सबको गुड मॉर्निंग। नाश्ता बच्चों ने कर लिया है, बच्चों को मैंने हलवा पूरी और अंडा पराठा दे दिया था। अंडा पराठा घर पर बनाया था, हलवा पूरी तो मैंने व्लॉग स्टार्ट नहीं करा, तो अभी मुझे याद आया कि व्लॉग तो स्टार्ट कर लूँ मैं, तो मैंने व्लॉग स्टार्ट कर लिया है। तो आप सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। तो चले रूम से बाहर चलते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है घर में, तो आपको दिखाते हैं, चले। तो गाइज, मैं रूम से बाहर आ गई और घर की सफाई तो हम कर चुके हैं। बाकी मैं अभी बना रही हूँ पालक गोश्त। तो मैंने ये पालक कटिंग करने के लिए रख दी, पालक काट ही रही थी आधी कि आप लोग मुझे याद आ गए, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग को दिखा दिया जाए कि पालक गोश्त बन रहा है। और ये देखें, ये गोश्त भी मैंने गलने के लिए रख दिया है, वैसे ही सेम उसी तरह जैसे कि वो डालती हूँ मैं इसमें गोश्त में ही प्याज टमाटर आलू आलू भी प्याज टमाटर अदरक लहसुन वगैरह सब गोश्त में डाल के मैंने गलने के लिए रख दिया है। तो गोश्त गल जाएगा, उसके बाद हम ये पालक डाल देंगे और फिर खाना तैयार हो जाएगा। खाना आज का ये है और आपको दिखाते हैं और क्या हो रहा है। सबसे पहले तो ये दोनों भाई, ये मेरा छोटू गंजा हो गया माशाल्लाह से, देखे कितना क्यूट लग रहा है गंजा होके, इसकी शरारतें डबल हो गई हैं। और सेकंड, हमारे घर में काम हो रहा है, हमारा एक्वेरियम धुल रहा है तो हमने खाली कर लिया, ये मछलियाँ निकाली हैं बाल्टी में और अब पानी खाली हो रहा है। कशन क्या हो रहा है घर में? पानी खत्म हो रहा है, पानी खत्म हो रहा है, तो ये इसका पानी निकाल रहे हम लोग, इसका पानी खत्म हो रहा है। वो भी हम लोगों ने साफ कर लिया था, बाकी इस रूम में आ गए। पंखा खोल दो, ये देखो गर्मी लग रही है आपको, यहाँ से अभी थोड़ी देर में मिलवाऊंगी क्योंकि वो अभी खाली कर रहे हैं और गर्मी बहुत हो रही है रूम में, तो उन्होंने शर्ट उतारी है इसलिए वो अभी ब्लॉक के सामने भी आ रहे हैं, तो अभी मिलवाती हूँ आयाज से आप, जब तक मैं पालक कटिंग कर लूँ। सो गाइज, मैंने सालन की बुनाई करने के लिए आ गई हूँ और गोश्त गल चुका है, बहुत अच्छे से गोश्त गलाती हूँ मैं हलवे की तरह बिल्कुल, तो गोश्त गल चुका है, अब इसकी बुनाई करेंगे। और पालक भी काट के धो के रख ली है और ये लगे हुए अपने खेत में, चमगादड़ बनाई, पता नहीं कब बनना आएगा इसको। ये खेल चल रहा है, अभी हम लोगों ने पुलाव मंगा के खाया, बहुत तेज भूख लग रही थी। और ये हो रहा है, धुल गया हमारा एक्वेरियम और इसने मछलियां भी डाल दी। आधा घंटा पानी को छोड़ा हमने, और उसके बाद फिल्टर चला के और अब मछलियां भी डाल दी हैं और देखें कितना जबरदस्त लग रहा है ना, ब्लू ब्लू सा पानी। और बड़ी मेहनत करी अभी हमने अभी भी ना, और देखिए फीड भी डाल चुकी हूँ मैं इसमें। और अब ये दोनों बच्चे, क्या भाई किसने मेहनत, किसने धोया एक्वेरियम? बाबा ने मम्मा ने, बिल्कुल इस लड़के ने मेरी मदद नहीं कराई है, मेरे पानी डाले, इसमें भी पानी डाला है। और ये देखिए एक बच्चा और है जो मेरी हेल्प करवाने लग गया है, ये भी मेरा काम बहुत बिगाड़ता है, ये मेरे काम। तो गाइज, अब अभी हम लोग कहीं जाएंगे, आपको भी साथ लेके चलते हैं, तो चले मैं तैयारी कर लूँ, जरा बुरखा पहन के सामने आ जाऊँ आपके, फिर निकलते हैं। जब तक मैं पहले ही सालन की बुनाई करके पालक डाल दूँ, फिर अम्मी देख लेंगी, अम्मी लास्ट में चूल्हा बंद कर देंगे, हम लोग निकलें क्योंकि काफी देर हो गई है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक मिस्टर एंड मिसेस अयाज अली ब्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आप देख रहे होंगे अयाज भाई सुबह से अभी दिखे और ये एकदम ही बुरखा पहन लिया उन्होंने। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट, अम्मी जो सरप्राइज देना है हमने, तो के लिए गिफ्ट लेने जा रहे हैं। हाँ तो चलते हैं, पहले वो लेकर आ जाए। लेके नहीं जा रही मोबाइल क्योंकि बच्चे अम्मी के पास से आ रहे हैं, तो मोबाइल घर पे छोड़ना जरूरी है वरना अम्मी को बहुत तंग करेंगे। तो हम आपसे वापसी आके मिलते हैं। सो गाइज, घर पे आ गए हम लोग और बहुत थक गए हैं, बहुत घूमे मार्केट में। और अम्मी का फाइनली हम सरप्राइज गिफ्ट लेकर आ गए, अम्मी तो बहुत ज्यादा खुश हो गई हैं कि अम्मी को हमने सरप्राइज गिफ्ट दिया है। तो आपको दिखाते हैं अभी अम्मी के लिए हम क्या लेकर आए हैं। तो गाइज, अम्मी के लिए लाए हैं हम लोग ये एलईडी टीवी लेकर आए हैं, क्योंकि मैं आपको भी बताती हूँ एक मिनट। अम्मी के लिए लाए हम लोग एलईडी टीवी क्योंकि जिस रूम में एलईडी लगा है उस रूम में हम लोग वीडियोस बना रहे होते हैं, मतलब हमारे 10 काम होते हैं लाइव आना ही करना, तो इसीलिए ना वो रूम बुक था। तो अम्मी बच्चों को देखती हैं, घर भी देखती हैं, माशाल्लाह हमारा बहुत साथ देती हैं, तो हमने सोचा कि एक सहन में एलईडी लगनी चाहिए ताकि अम्मी का भी टाइम पास होता रहे,
क्योंकि अम्मी बस एक ड्रामा देखती थी, वो भी कोई पाकिस्तानी ड्रामा है, तो अच्छा नहीं लगता। अम्मी कहती मोबाइल दे दो, बच्चे छीन रहे हैं मोबाइल ना। तो अम्मी ने बोला क्यों ना अम्मी के लिए टीवी ले आए, ताकि अम्मी का भी टाइम पास होता रहेगा, सहन में लगा रहेगा। अगर अम्मी सहन में कोई काम कर रही हैं या बच्चे के साथ खेल रही हैं तो टीवी चलता रहेगा, उनका टाइम पास होता रहेगा, बोर ना हो वो ना। तो इसलिए हम उनके लिए LED लेकर आ गए हैं। तो अभी अयाज फिक्स करते हैं इसको, फिर आपको दिखाते हैं कहाँ फिक्स होगी, कैसे लगाएंगे और चलते हुए भी दिखाएंगे। और ये मेरी गंजी बिल्ली को आप देखें, ये मेरे आते ही शुरू हो गए, वरना दादी के साथ बड़े सुकून से खेल लेते, वो मुझे देखते इनका रोना धोना मजे। और देखें कितनी तबाही मचा के रखते हैं घर में, हर जगह घुस जाते हैं ये बच्चा। अच्छा अच्छा आओ चलेंगे। तो गाइस ये देखे LCD लगने की तैयारी हो रही है, दीवार में सुराख और हम इस जगह लगा रहे हैं LCD। अच्छी लगेगी ना यहाँ पे। सोल वर्जन हमारी LCD लग चुकी है और अब इसके रह गए कनेक्शन करने के लिए, तार को छाना है। और ये हमने धीरे लगाई है क्योंकि हमने उसमें देखती नहीं, उनको वो स्मार्ट TV है ना, वो चलाना नहीं आता और वो तो काशान नहीं चलाने देता उनको। वो उनको काफ़ी समझाया भी, लेकिन अम्मी है ना उनको नहीं समझ आती, वो बोलती नहीं मुझे ना वो दूसरा TV लगा दो, लीड वाला TV लगा दिया। अभी कैबिन भी लगा देंगे, जो ऑन करते हैं तो फिर दिखाते हैं आपको। सो गाइस हमारे घर में लीड लग गई है और अम्मी का TV स्टार्ट हो गया, जैसे कि आप देख सकते हैं सारी खबरों के चैनल ही लगे हुए हैं अभी, क्योंकि अम्मी खबरें ही देख रही हैं। TV खुलते हैं, अम्मी ने सबसे पहले खबरें लगा, इमरान खान का क्या हाल है। तो अभी माशाल्लाह से हमारा TV स्टार्ट हो गया है और अब सब सहन में पड़े रहेंगे, मैं भी अब सहन में, मेरे को भी ड्रामों की आदत हो जाएगी कि भाई ड्रामे देखने, अब इस टाइम पर ड्रामा आएगा, इस टाइम पर ड्रामा आएगा, क्योंकि पहले तो नेट पर जो सर्च करो वो आ गया। तो गाइस बस आप लोग की दुआएं हमारे साथ, माशाल्लाह से कि अल्लाह पाक तरक्की पे तरक्की दे रहा है और हम अपनी ज़रूरतें ख्वाहिशें पूरी कर पा रहे हैं। और आपको सबसे पहले तो एक बात, सबसे आखिर में एक बात बतानी है कि आप लोगों के लिए है एक छोटा सा सरप्राइज, लेकिन है बहुत बड़ा वो, पर छोटा सा है जो आपको कल समझ में आए इंशाल्लाह, कल नहीं परसों के व्लॉग में आपको दिखेगा। और बहुत ज़्यादा फन मस्ती होने वाला है और आप लोग बहुत ज़्यादा उसको लाइक करोगे इंशाल्लाह। तो अगर आप देखना चाहते हो कि हमारी आने वाली वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, है एक सरप्राइज़, वो क्या सरप्राइज़ अगर आप देखना चाहते हो तो जल्दी से जाओ, बेल आइकन का बटन भी दबा दो और सब्सक्राइब भी कर दो, लाइक भी कर दो, जो जो ऑप्शन आ रहे हैं सब कर दो, बट डिलीट का नहीं करना खाली, बाकी सब करो ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिल जाए और मज़े की आप हमारी वीडियो देखें। बाकी माजरत है अगर हम आपको इतना वेट कराते हैं, वेट कराना बनता है थोड़ा थोड़ा, क्या हमें भी पता चले कि आप हमसे कितनी मोहब्बत करते हो, कितना तड़प रहे हो आप हमें देखने के लिए, हमारी डेली रूटीन देखने के लिए। तो इंशाल्लाह आप बनाते रहेंगे व्लॉग, लेकिन कल नहीं बनेगा, कल मैं आपको अभी से बता रही हूँ कि आप बोलो कि कल व्लॉग नहीं आया, क्योंकि कल और परसों का मिला के हम आपको एक साथ दिखाएंगे और बड़ी मस्ती भरा व्लॉग होने वाला है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नीचे जाके जल्दी से बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि मेरी अभी सरप्राइज वाली वीडियो आने का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए और आप जल्दी से मुझे देखिए। तो मिलते हैं अल्लाह हाफिज़ अगले व्लॉग में।